गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। दोनों ही राज्यों की बात करें तो गुजरात में बीजेपी का कमल खिल गया तो वहीं हिमाचल की जनता ने हाथ का साथ दे दिया। लेकिन चुनाव की सियासी सरगर्मी शांत अभी नहीं हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक इंटरव्यू ने देश के सियासी हलचल को एक बार फिर तेज कर दिया है। ये हम सब जानते हैं कि खड़गे को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच उनके बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक से एक बयान दिया है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला तो वहीं कांग्रेस के आगे की प्लानिंग भी बताई। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि वे गरीब हैं, वे इसी जगह से हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करो। लेकिन एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि फिर तो दूसरी पार्टियां जो वहां प्रचार को जाती हैं वो बाहर की हो गई। एक प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तब मैंने ये कहा कि आप कितने दिनों तक बोलेंगे कि आप गरीब हैं? 13.5 साल तो आप चीफ मिनिस्टर रहे, 9वां साल चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, फिर भी वही बात दोहराते हैं आप, मैं गरीब हूँ। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि अगर आप गरीब हो तो मैं एक दलित हूँ। आपके होटल में अगर आप चाय बनाते हैं तो लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन दलितों का बनाया तो कोई चाय भी नहीं पीता। हालांकि जब कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा गया कि हिमाचल में बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत, इस पर वो क्या सोच रखते हैं, तो उनका कहना है कि हिमाचल में हार के बाद बीजेपी कह रही है कि वे 1% से भी कम वोट से हारे, लेकिन हार तो हार होती है। एक वोट से जीतने वाला सदन के अंदर होता है और एक वोट से हारने वाला सदन के बाहर। ये संसदीय लोकतंत्र है, बीजेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए कि वो हिमाचल हारे हैं, हम गुजरात हारे हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत हुई है, पार्टी ने जश्न भी मनाया क्योंकि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है। इस पर जब खड़गे से पूछा गया कि चुनाव तो कांग्रेस ने भी हिमाचल में जीता लेकिन उसने कोई जश्न क्यों नहीं मनाया, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास नहीं रखते। हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, चंद लोगों की आदत होती है इवेंट बनाने की, लोगों को दिखाने की, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जब जीतते हैं तो खुशी के साथ सबसे मिलते हैं, सबको क्रेडिट देते हैं, और अगर हारते हैं तो उसको भी स्वीकार करते हैं, और जहां हारे हैं वहां अपनी कमियां दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में कांग्रेस के नतीजों पर भी बयान दिया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, इस पर उनका कहना है कि लोकतंत्र में आगे पीछे होता रहता है। आज नंबर 1 कही जाने वाली पार्टी के संसद में कभी 2 लोग थे। संसद में ऐसा होता रहता है। लोकतंत्र में जो जीतता है उसका स्वागत होना चाहिए। कुछ कमियों की वजह से हम पीछे रह गए, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम खत्म हो गए। उनकी आदत है, बोलने दो। कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप एक जगह खत्म करोगे तो दूसरी जगह हम उग जाएंगे। हम गुजरात में एक टीम भेजेंगे, पता करेंगे कि क्या कमियां रही, कैसे रही, फिर उस पर हम काम करेंगे।